मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रेल रोको अभियान पर किया आंदोलन, जरवल रोड रेलवे स्टेशन जाते समय पुलिस व किसान नेताओं में हुई जबरदस्त झड़प, किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के उपरांत मुचलके पर किया गया रिहा, सरकार के खिलाफ किसानों ने किया नारेबाजी। जलवा रोड बहराइच, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने ओम प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में जलवा रोड तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून बिल को लेकर किसान नेताओं युवा कार्यकर्ताओं के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। रिपोर्ट अजमल शाह। आज ये मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बहराइच से ओम प्रकाश वर्मा बोल रहा हूँ। आज ये जो रेल चक्का जाम का कार्यक्रम चल रहा है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चंद टिकैत के आदेशानुसार हो रहा है। आज लगभग 3 महीने पूर्व हो रहे हैं जो 3 काले कानून को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली जो घेरो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर चक्का जाम है, वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्हीं के आदेशानुसार आज हम लोग ये चक्का जाम जरूर लोग रेलवे स्टेशन हमको जाम करना था उसी को लेकर के आज हम लोग कुछ किए हैं जो हमको आज गिरफ्तारी की गई है हम लोगों की। हम लोग आज थाने पे मौजूद हैं और इसी तरीके से हम लोगों की गिरफ्तारी चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस पर हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। आप लोग रेल कहाँ पर रोकना जा रहे थे और किस थाने पर आपको गिरफ्तार किया गया? रेलवे स्टेशन रोकने जरवल रोड जा रहा था और वहीं से पुलिस हमको गिरफ्तार करके जरवल रोड थाने पर लाई है। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा इसी तरीके से हम लोग गिरफ्तारी करते रहेंगे, रेल चक्का जाम करते रहेंगे, जो जो आदेश होगा वो हम पालन करते हैं। अध्यक्ष जी, प्रदर्शन करते समय आपसे पुलिस वालों की झड़प भी हुई, इस पर क्या कहना चाहिए? पुलिस के पर झड़प हुई है, पुलिस भी हमारी भाई है, कहीं ना कहीं से पुलिस को टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस दबाव में है, इस तरीके से पुलिस हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। पुलिस जबकि हमारी भाई है, प्रशासन से हमारा लोगों की कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है, सरकार हमारी मांग पूरी करे, जब तक पूरी नहीं करेगी इसी तरीके से धरना। अध्यक्ष जी, आपने कहा पुलिस किसी के दबाव में, क्या लगता है किसके दबाव में? सरकार के दबाव में।